वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल आकिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाए थे जिस पे मैंने आपकी एक प्रॉब्लम को फिक्स किया था, अजोर पेमेंट प्रॉब्लम वाला, ठीक है। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भाई की ये सेम प्रॉब्लम है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप USA का बैंक एक है एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट बैंक है वो यूज़ करें। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी और आपका अकाउंट भी जो है वो 100% बन जाएगा। आज की प्रॉब्लम भी जो है वो भी बिल्कुल अजोर पे है। काफ़ी दोस्तों की एक ही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि जी कब हम RDP क्रिएट करते हैं और हमारी जो RDP की हम डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं उसके बाद हमने PC की रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है। जब हम रिक्वायरमेंट सेट करते हैं तो उस पर हमारा क्लिक नहीं होता, तो आज की प्रॉब्लम हम फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 99.9% लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, और ओनली 1% भी नहीं है, 0.01% जो है लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ें और मेरा भी दिल करे कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं अपने अजोर के ऊपर। आपने जो वीडियो देखी थी, जो पहले वाली वीडियो देखी थी, उस पर मैंने ये देखें सेम ईमेल है, ठीक है, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, या मतलब ये सेम मेल के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो रन है। मैंने आपके सामने ये अकाउंट बनाया था, ये अकाउंट जो था वो रिव्यू के अंदर चला गया था। आफ्टर 4 आवर के अंदर जो है मेरा जो अकाउंट था वो एक्टिव हो चुका था। अभी हम चलते हैं जी अपनी RDP की तरफ, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन माइक्रोसॉफ्ट अजोर। आपने क्या करना है, ये देखें, आपने माइक्रोसॉफ्ट अजोर के जो है वो डैशबोर्ड में आ जाना है। सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें, वर्चुअल मशीन के बटन पर क्लिक कर दें। कैसे वर्चुअल मशीन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी जो है मेरी एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट है, ये UAE की है, रनिंग में है, विंडो है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और ये देखें सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, अजोर वर्चुअल मशीन, ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन होस्टेड बाय अजोर, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो कैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप आपने बिल्कुल रेडी करना है। तो ये देखिए आपके सामने आ चुका है जी, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। आपको पता है कि जो RDP होती है उसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो है ये फॉर्म आ चुका है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का। सबसे पहले जो है वो आपकी $200 वाली जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर ये वाली आएगी, ठीक है, अजोर सब्सक्रिप्शन 1। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिख के आपने क्रिएट कर लेना है। इसमें आपके लिए ये आसानी होगी कि अगर आप दोबारा उसी सिटी की, उसी कंट्री की RDP बनाना चाहेंगे तो आपको जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले आपका आ जाएगा जी वर्चुअल मशीन नेम, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जी डेमो करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये देखें यहाँ पे हमने जो है, अगर हम यहाँ पे USA की सिलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, USA के जो इनके सर्वर्स हैं वो अभी मेंटेनेंस के अंदर हैं। मेरी इनसे बात हुई थी लाइव चैट के ऊपर, ठीक है, और ट्विटर के ऊपर भी जो थी वो मेरी बात हुई थी। लोग क्या करते हैं कि इसको जो है वो चेंज नहीं करते, वो ये देखें USA के ऊपर सिलेक्ट होता है। अभी इनके पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे ये आ रही है ना ये वाली, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम आ रही है सबको, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये देखें, रेज के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप USA के अलावा कोई भी कंट्री की RDP अभी बना सकते हैं अजोर में। जो इनके US सर्विस है, जो है USA के सर्वर हैं, वो अभी तक इनके मेंटेनेंस के अंदर हैं, वो अभी तक आपको RDP नहीं मिलेंगी। वो कह रहे थे कि हमें 1 वीक लग सकता है। अभी ये देखें, मैं अभी एशिया की कोई भी बना देता हूँ, जैसे कि ये देखें साउथ इंडिया की बना लेते हैं, UK की बना लेते हैं, कनाडा की बना लेते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बना लेते हैं। तो हम चलते हैं जापान की तरफ, जापान के भी सर्वर चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये देखें अभी इनके जो सर्वर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इनके जो बेसिकली अभी जो सर्वर अवेलेबल है वो UAE का सर्वर अवेलेबल है अभी, ठीक है। ये देखें मिडल ईस्ट, UAE नॉर्थ,
तो ये देखें अभी जो इनके पास सर्वर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ़ यूएई के सर्वर्स अवेलेबल हैं। आप इनके अंदर जो है वो यूएई की ही आरडीपी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अभी और कोई कंट्री की आरडीपी नहीं बना सकते। इंडिया की भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इंडिया की बनाना चाहें तो इंडिया की भी बन रही है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की भी बन रही है, लेकिन इंडिया की भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी इनके जो थे वो यूएसए के ही, आप इनमें से चेक कर लें किस कंट्री के अवेलेबल हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से आरडीपी को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि ये देखें विंडो आ जाना है, विंडो सर्वर 2019 पे आ जाना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, मिडल ईस्ट यूज़ करते हैं, यूएई, ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना जी यूज़र नेम के अंदर, यूज़र नेम भी हम करते हैं जी डेमो, और पासवर्ड जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया है और सेम यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखें ये पासवर्ड जो है हमने यहाँ पे, तो फ्रेंड ये देखें हमने जो है इनका पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर कर दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं जी रिव्यू प्लस क्रिएटिंग की तरफ। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो ये यूएसए की आरडीपीज अभी अवेलेबल नहीं है, ये इनके मेंटेनेंस सर्वर्स के ऊपर काम हो रहा है। जैसे ही ये काम क्लियर होगा तो आपके पास आरडीपीज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ये किया हुआ है कि नॉर्थ जो है बनाता हूँ मैं यूएई की, उसके बाद में जो है मैं वीपीएन करके उसको रन कर रहा हूँ। तो अभी ये देखें जी कह रहा है जी प्ले, दोबारा हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो ये देखें आपके सामने जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको ये बेसिक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये ग्रुप हमने किया था, वर्चुअल मशीन नेम जो है वो डेमो है, यूएई है, उसके बाद विंडो सर्वर 2019 डेटा सेंटर है और 16 GB की रैम है और 4 कोर CPU है, डेमो यूज़र नेम है और इसकी ऑलरेडी जो विंडो लाइसेंस है वो नो है, अजोर सपोर्ट भी जो है वो भी नो है, ठीक है। दोबारा हम इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें आपके सामने जो है वो इनलाइजिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो विद इन 2 मिनट के अंदर जो है हमारी आरडीपी रेडी हो जाएगी। जैसे ही हमारी आरडीपी रेडी होती है हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं और आरडीपी आपको रन करके मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें आपके सामने जो है ये डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुकी है। हम हाउ टू रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ से जो है हम अपनी वर्चुअल मशीन की आईपी लेते हैं और आईपी ये देखें, उसके बाद आपने सिंपली आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पब्लिक आईपी को कॉपी करके डायरेक्ट वर्चुअल मशीन में चले जाएं या आप कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें आरडीपी के अंदर आ जाएं, ठीक है। और यहाँ से जो है वर्चुअल मशीन पाथ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डाउनलोड आरडीपी फाइल को क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यह होगा कि आपका यूज़र नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगा। कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें, ये देखिए आपके सामने। तो हमारा जो यूज़र नेम था वो था डेमो और पासवर्ड जो था वो मैंने रिमेंबर पे क्लिक करते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं।
तो आपके सामने ये देखें हमारी जो RDP है वो कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको दोबारा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये वाली IP हमने कॉपी की थी, कॉपी नहीं की थी हमने, सिर्फ फेच की थी जो पाथ होता है। तो ये वाली IP थी, मैं आपको दोबारा IP चेक करवा देता हूँ। मैंने कोई और RDP कनेक्ट नहीं की, सेम वही RDP है। आपके सामने ये देखें हमारी जो अजोर की RDP है वो कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें 192 वाली लास्ट में थी, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी 192 वाली लास्ट थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।